खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां हदगांव थाना क्षेत्र में गोकसे की सूचना पर पुलिस और एसओजी टीम मौके पर पहुंची, जहां गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान हिस्ट्री शीटर रिजवान के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं उसका एक साथी फयाज अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला। आपको बता दें कि रिजवान गोकसे के 29 मुकदमों में फरार चल रहा था। थाना हदगांव जनपद फतेहपुर के दौरा जंगल में आज गोकसी की सूचना प्राप्त हुई थी। मुखबिर के द्वारा थाना अध्यक्ष हदगांव पुलिस बल के जंगल की घेराबंदी किए और यहां पर गाय बची हुई थी और गाड़ी में थे रिजवान का नाम जंबिल पट्टी शायद के रहने वाला है, जिसके पर क्या कुल 29 मुकदमे हैं। वो मुठभेड़ में घायल हुआ है, घायल दिया गया है, उसको घायल अवस्था में एससी